सो हाय गाइस, मेरा नाम है नितिन। आप देख रहे हैं नितिन मीना यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लोग अभी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड बाय करने जा रहे हैं, जो आपके क्लाइंट्स है या फिर जो बहुत सारे कस्टमर है उनको लगता है कि हमें वहां से काफी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, या फिर जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर वीडियो देख रहे हैं जो कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में बिलीव करते हो, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो काफी खास होने वाला है। तो हाय गाइस, मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं नितिन मीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी क्या हो रहा है कि जो इंडिया में जो कंपनीज है, म्यूचुअल फंड कंपनीज है, वो क्या कर रही है, अगर आपको हाईएस्ट रिटर्न मिल रहा है जहां पे, पहले तो मैं ये क्लियर करूँ, जहां पे हाईएस्ट रिटर्न है ना, वहां पे देखो आपकी एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा है। कंपनी आप डायरेक्ट भी खरीद रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज नहीं होगा, उसके बाद भी आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज हो रहा है। और हाईएस्ट रिटर्न जितना आप देखोगे वहां पे तो आपको लगेगा ही लगेगा, जो एक्सपेंस रेशियो वो काफी ज्यादा लेंगे ही आपसे, जहाँ पे कि वो 3% होता है, जो नॉर्मली 2.5 होता है, यहाँ पे 3 हो सकता है या फिर 3 से भी ज्यादा हो सकता है। तो ये चीज जरूर देखे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी म्यूचुअल फंड खरीदो एजेंट के थ्रू खरीदो, क्योंकि एजेंट को सारी चीजें पता होती है कि कहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कितना हो रहा है, रिटर्न का क्या राज है, रिटर्न आगे रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड कोई इतना इजी नहीं है। लास्ट 5 सालों का परफॉर्मेंस देख के, फंड की रेटिंग देख के आप कभी भी म्यूचुअल फंड नहीं खरीद सकते, क्योंकि जहां तक लॉजिकल आप देखेंगे, जिन फंड ने पास्ट में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, फ्यूचर में वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ चीजें रहती है छोटी छोटी जो कि बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। तो जो एक्सपेंस रेशो क्या रहता है, मैं इसके बारे में कुछ आपको बता दूं। जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं या फिर एजेंट के थ्रू हो या वो डायरेक्ट हो, आपका अगर डायरेक्ट में मैंने देखा है जब तक 1.5% मैक्सिमम कंपनियां चार्ज करती है, और आप रेगुलर खरीदते तो 3% वो कंपनी चार्ज करती है। तो यहाँ पे कुछ लोगों का मानना है कि जो 3% चार्ज करते हैं वो पूरा एजेंट को जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, मैं उसका आपको क्लियर कर दूं। जो एजेंट को जाता है, इक्विटी में अगर आप लेते हैं तो 1% के समथिंग मिलता है, या फिर उसके बाद अदर में आप देखेंगे तो 0.05% के समथिंग, आधा परसेंट मतलब लगभग एजेंट को मिलता है। उसके बाद कहाँ पे खर्च होता है, उसके बाद ये होता है आपका पोर्टफोलियो मैनेजर रहता है, उसको जाता है, फिर ये एडवर्टाइजमेंट में होता है उसमें, ये तो ये सारी चीजें आप ही से चार्ज करते हैं। तो कभी भी जब म्यूचुअल फंड खरीदे तो हाईएस्ट रिटर्न को देख के कभी ना खरीदे, अपने एजेंट से बात करें, एजेंट के थ्रू करें, क्योंकि एजेंट आपको चार चीजें और भी बताएगा अलग से कि भाई कैसे आप और अच्छा प्लानिंग कर सकते हो, आपको टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हो, आप चार चीजें अच्छी नहीं जान सकते। और दोस्तों क्या रहता है, जो डायरेक्ट और रेगुलर में मुझे जहां तक लगता है, जब आपका फंड पूरा कंप्लीट हो जाता है, रिडिम्पशन पे आ जाता है, तब तक आप देखते हैं ना मात्र 1% या 1 से थोड़ा सा ऊपर इतना ही डिफरेंस आता है, पर वहां पे बहुत सारा रिस्क हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो आपका 100% पैसा रहता है वो 1% के लिए आपको रिस्क पे नहीं लगाना चाहिए। इसलिए जब भी खरीदे एक सर्टिफाइड एजेंट के थ्रू अपना म्यूचुअल फंड खरीदे, कि वहां पे वो आपको बेस्ट फंड सजेस्ट कर सकते, क्योंकि मार्केट में इतने सारे म्यूचुअल फंड है, आपको नहीं पता है कि कौन सा फंड कैसा है, कौन सा फंड फ्रॉड है, कौन सा फंड आपको अच्छे रिटर्न देगा फ्यूचर में, कौन सा फंड लॉस होगा। तो इसका भी एक कैलकुलेशन होता है जो कि नॉर्मल लोग उस कैलकुलेशन को नहीं कर सकते यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि जब हर चीज के स्पेशलिटी के पास ही जाते हैं, जैसे कि हम एनएफएल ऑफ मेडिसिन में भी आप देख सकते हैं कि आपको दवाई तो दुकान से भी मिल जाएगी, मेडिकल से भी मिल जाएगी, पर आप मेडिकल पे क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि पता है डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन देगा वो वहीं से, आपको दवाई तो वहीं से लेनी है, पर आपको ये नहीं पता रहता है कि उस मेडिसिन की दुकान से कौन कौन सी दवाई मुझे लेनी है। तो आप किसके पास जाते हो, आप जाते हो डॉक्टर के पास, वो आपको बताता है कि आपको ये मेडिसिन लेनी है तो ये आपके लिए ठीक रहेगी। तो वो होता है आपकी हेल्थ के लिए, और ये जो एडवाइजर रहते हैं आपकी वेल्थ के लिए रहते हैं। तो प्लीज इनके थ्रू जाएं जब भी जाएं। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे लगा आपको काफी सीखने को मिला होगा। एक चीज और, इस वीडियो के नीचे जितना भी आपका कंफ्यूजन है ना, प्लीज कमेंट कर दो, क्योंकि अभी जो मैं कमेंट बॉक्स बनाऊंगा जब भी, तो मैं सबसे पहले कमेंट इसी वीडियो के नीचे से मैं उठाऊंगा। तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग को पता पड़े, आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको भी शेयर करेगा, ताकि वो भी जाने कि जो एक्सपेंस रेशियो वो आपको कितना मिलता है, कि उनको ये नहीं लगे कि आपको 3% मिलता है, 4% मिलता है, तो एक्सपेंस रेशियो के बारे में वो भी जान पाएंगे, वो हाईएस्ट रिटर्न का भी उनको राज बताई दीजिए। तो थैंक यू।